मॉड्यूल टू हंड्रेड एंड एलेवन ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्जिया नवोसा न्यूट्रिशनल काउंसलिंग सो वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब भी हम एनोरेक्जिया नवोसा की बात करते हैं उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि दैट हेल्प इन देट रेस्टोरेशन ठीक है यानी जो वेट बच्चे ने लूज़ किया है हमने वो वापस भी लाना है अब वो वापस लाने के लिए हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपके पास क्लाइंट एनोरेक्सिया नर्वोसा का आएगा तो आपने सबसे पहले उसे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देनी है जब आप न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दोगे जब आप उसे बताओगे कि किस फूड के अंदर कितनी कैलोरीज हैं और वो आपका कितना वेट जो है वो इम्प्रूव करेंगी या बेटर करेंगी तो बच्चे के साथ काम करना आसान हो जाता है आप कभी भी बिहेवियर थेरेपी एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक उसे न्यूट्रिशन की काउंसलिंग नहीं मिलेगी जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि वो क्या ले रहा है और उससे उसका कितना वेट बढ़ेगा तब तक जो बिहेवियरल uh, थेरेपी है वो जो है वो वर्क करना शुरू नहीं करेगी तो आपने जब उसे एक काउंसलिंग दे दी जब आपने उसको बता दिया कि ये फूड ले रहे हो और इसकी इतनी कैलरीज हैं और उससे इतना सा वेट आपका इंक्रीज होगा तो फिर आप जो उसका फूड इनटेक है या जो वेट गेन है फिर वो आप बिहेवियर थेरेपी के थ्रू री को एसोसिएट करके करा सकते हैं आप जब उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है ठीक है और ऐसा मील प्लान उसके लिए बनाना है जो कि उसके लिए अप्रोप्रिएट है यानी एक इंडिविजुअल के लिए जो आ, प्लान आप मेरे लिए बना रहे हो, हो सकता है वो एक्स वाई जेड के लिए ना हो इसी तरह जो प्लान आप एक बच्चे के लिए बना रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे बच्चे के लिए भी उतना ही अप्रोप्रिएट हो तो उसको सबसे पहले तो उसके नीड के मुताबिक उसकी चॉइसेस के मुताबिक मीट मील प्लान बनाया जाता है और उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको फुलफ़िल कर लिया जाए ये जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है ये आप नहीं देते ये न्यूट्रिशनिस्ट देते हैं ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो टीम काम करती है साइकेट्रिस्ट करती है न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं और साइकोलॉजिस्ट uh, करते हैं अब जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ दैट प्लान वो सुपरवाइज होती है ठीक है अगर आप एक बच्चे को कहोगे कि अच्छा जी आपकी ये न्यूट्रिशनल ट्रे है ये आपने खानी है तो वो कभी भी नहीं खाएगा इट वुडेंट बी पॉसिबल ऐसे बच्चों को हमेशा सुपरवाइज करना पड़ता है उनके पास बैठना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कितना फूड उन्होंने लिया है क्यों देखना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि जब ये डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो या तो ये बहुत छोटा पोर्शन लेकर खाना शुरू करते हैं कि सब खा के उठ जाते हैं तो वो पोर्शन वहीं का वहीं होता है या ये उस मील को थ्रो आउट कर देते हैं तो दैट्स मीन कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सुपरविजन जरूरी है देन उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं ठीक है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं और किस तरह जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको हमने ओवरकम करना है और उनको हमने फुलफिल करना है ठीक है आमतौर पर जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग होती है दैट हज़ लाइक अ पार्ट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यही न्यूट्रिशनल काउंसलिंग जो है ये आपने पेरेंट्स को भी देनी होती है ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने बच्चे को कितनी न्यूट्रिशंस जो हैं वो एक दिन में देनी है और कितनी न्यूट्रिशंस देने के बाद जो बच्चा है उसकी जो हेल्थ है वो अप्रोप्रिएट होगी इनिशियली सर्टन टाइम बच्चों को मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिसके हेल्प से उनकी जो मेल न्यूट्रिशन है वो जो है वो बेटर हो सके तो दिस इज़ द वे जिसमें हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं थैंक यू